लिए नाज़रीन वक्त हो चुका है और एक ऐसी पर्सनैलिटी को बुलाने का जिन्होंने बहुत ही कम एज में बहुत से ज्यादा आला मकाम तक पहुँचे है। चाहूंगी जो कि अपनी बातों से अपने यूथ को मोटिवेट करते हैं, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर है। ये इंटरनेशनल पब्लिक स्पीकिंग चैंपियनशिप के विनर भी रह चुके हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगी मोहम्मद अनस को। जोरदार तालियां हो जाए अनस के लिए। हाज़रीन, अभी मैं खुद आप सभी लोगों के सामने एक छोटा सा बयान, एक छोटी सी स्पीच अभी पेश करने जा रहा हूँ। और ये जो बयान, ये जो स्पीच मैं अभी आप लोगों के सामने कहूँगा, तो मैं कहता हूँ कि ये मेरी लाइफ की अभी तक की जो मैंने सबसे पहली स्पीच जो मैंने दिया था, वो किसी दूसरे के मदरसे के दूसरे जलसे में मैंने किसी के अंदर ये बयान पेश किया था। लेकिन अभी जो है अल्हम्दुलिल्लाह खुद के हमारे जलसे में मैं अभी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। और वहाँ पे मैंने जब वो प्रेजेंट किया, उसके बाद से मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ स्पीकिंग फील्ड में, एंड देन आई केम इनटू पब्लिक स्पीकिंग। तो अभी जो बयान मैं आपके सामने कहूँगा, ये बयान बहुत ही पुराना और बहुत ही फेमस बयान है, शायद आप लोगों में से किसी ने सुन भी लिया होगा है। और मैं जब बिल्कुल छोटा था, कम से कम 7 साल का, तब मैंने ये दिया था बयान। और इस बयान में जो है अल्लाह ताला की जो कुदरत अल्लाह ताला ने बनाई हुई है, पूरी अल्लाह ताला ने अकेले ने जो कायनात खड़ी की हुई है, इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डाली गई है। तो मैं आप सब लोगों से जो है दरख्वास्त करता हूँ कि खामोशी के साथ और गौर करके इस तकरीर को सुनिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने अल्लाह को ढूंढा तो उसने अपना तारुफ करवाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, मैं वो हूँ जो मौत से पाक हूँ। हम पाबंद बन के चले उस अल्लाह के जिसकी शहनशाही है, उस अल्लाह के पाबंद बनो जिसने मुझे बनाया, उस अल्लाह के जिसने मुझे ज़बान में बोल दिया, आँखों का नूर दिया, जिस्म में ताकत दी, अकल को समझने के औज़ाफ दिए, उस अल्लाह के पाबंद बन के चलो जिसने कुरान को उतारा, जिसने धरती को बिछाया, जिसने आसमान को उठाया। आसमान की छत मेरे अल्लाह के कब्ज़े में है, ज़मीन का फर्श मेरे अल्लाह के कब्ज़े में है, हवाओं के झोंके मेरे अल्लाह के कब्ज़े में है, सर्दी का मौसम मेरे अल्लाह का इरादा है, गर्मी की तपिश मेरे अल्लाह का इरादा है, बादलों से पानी का गिरना मेरे अल्लाह का इरादा है, बर्फ़ का गिरना मेरे अल्लाह की बादशाही है, और तूफानों का आना, बिजलियों का चमकना, बादलों की गरज, मौसमों का तब्दील होना, दरख्तों के फल, फलों के जायके, जायकों में खुशबू, फलों में मिठास, फलों के ऊपर कवर, छिलके, एक अनार ही मेरी रब की कुदरत का शाहकार है। दाना दाना ज़रा जोड़ के दिखाओ, फिर उसको पर्दों में लपेट के दिखाओ, फिर उसकी पैकिंग करके दिखाओ, फिर उसमें रंग भर के दिखाओ, फिर उसमें जायके भर के दिखाओ, गाय के थन से निकलता दूध देखो, हिरन के नाफे में मुश्क और सांप के मुंह में जहर और मक्खी के मुंह में शहद, आदम की सारी नस्ल का मालिक, दो पाँव पे चलने वालों का बादशाह, चार पाँव पे चलने वालों का मालिक, ज़मीन की मखलूक, पानी की मखलूक, हवा की मखलूक, रेंगने वाले, उड़ने वाले, तैरने वाले, झिपटने वाले, धाड़ने वाले, फाड़ने वाले, डसने वाले, सब पे मेरे अल्लाह की शहनशाही है। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वमा फिल अर्द वमा बैनहुमा वमा तहत थरा व इन तजहर बिल कौल फइन्नहु यसर्र व अख्फा। वो कौन है? अल्लाह। तो नाज़रीन, हमें चाहिए कि हम अपने उस रब को राज़ी कर लें और हमारी आखिरत की ज़िंदगी जहाँ हमें हमेशा हमेशा के लिए रहना है, उसे खुशगवार बना लें। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।